बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल करना है बच्चे। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आप सभी को पता है, अगर आपके पास एक सर्कल है ये उसका रेडियस है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बाउंड्री पे मूव कर दूंगा तो वो हमारा हो जाएगा सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस हमारा होता है फॉर्मूला इसका टू पाई आर। नेक्स्ट, अब यही अगर दो रेडियस कंबाइन होकर सेंटर पे अगर कोई एंगल बनाएंगे, सपोज ये एंगल बन रहा है, ये एंगल इसको हम लोग लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं थीटा, या आपको ऑलरेडी पता है। तो अब ये वाला जो पार्ट इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। अब ये पार्ट है सेक्टर। अब बिकॉज ये पार्ट हमारे कम पार्ट में है तो हम लोग इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये लार्ज पार्ट में है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। दिस इज मेजर सेक्टर। अब सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये मेरा सर्कल का एक पार्ट है। एंगल कितना कवर अप कर रहा है? ये थीटा। कंप्लीट एंगल कितना होता है? थीटा बाय 360। तो सर्कल का कितना फ्रैक्शन वो मैंने निकाला, थीटा बाय 360। क्लियर है बात? आपके पास एक पूरा केक है या पिज्जा है, पिज्जा चार पार्ट्स में डिवाइड होता है तो एक पार्ट है तो 1/5 हो जाएगा पिज्जा। तो ये जो सेक्टर है, सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? ये सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, दो रेडियस मिलके एंगल बना रहे हैं थीटा। कंप्लीट एंगल होता है 360। तो ये क्या हो गया? पार्ट हो गया। अब सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात सभी को? एंड ये ऊपर वाला जो है, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे कितना बनेगा? 360 माइनस थीटा ऊपर वाला एंगल हो जाएगा। तो ऊपर वाला अगर बोलेगा मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मेजर सेक्टर का कितना फ्रैक्शन है पहले वो निकालो। 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये तो पार्ट हो गया पूरा सर्कल का जो उसने कवर कर रखा है ऊपर सेक्टर ने, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। दीज आर दी फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू लर्न। मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को फॉर्मूला को समझा के बताया जाए कि कैसे आपके फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब दो रेडियस के बीच में कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहे हैं थीटा, तो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है ये हो जाएगा सेक्टर। कम पार्ट में माइनर, ज्यादा पार्ट में मेजर। अब ये कितना फ्रैक्शन है पूरे का? ये पूरे का कितना फ्रैक्शन है थीटा बाय 360? पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर का 360 माइनस थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, द नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है जो यूटिलाइज होगा यहाँ पे। अब ये दो रेडियस जो है, अगर मैं इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा तो ए बी मेरा क्या फॉर्म करेगा? एक कॉर्ड फॉर्म करेगा। ए बी क्या करेगा? एक कॉर्ड फॉर्म करेगा। तो एक कॉर्ड और सर्कल, कॉर्ड एंड सर्कल के बीच में, कॉर्ड एंड सर्कल के बीच में आपके पास क्या है? एक एरिया आ रहा है। ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा? हमारा सेगमेंट हो जाएगा। अब ये बिकॉज ये पार्ट कॉर्ड और सर्कल में छोटा वाला पार्ट है,
तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ये पार्ट क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर टू एवरीवन? अब इसका सर एरिया कैसे निकालेंगे? वंश अगर एक क्वाड और सर्कल के बीच में जो एरिया होता है, क्वाड और सर्कल के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। कम पार्ट में होगा तो माइनर, ये ऊपर वाला ज्यादा पार्ट में है तो मेजर सेगमेंट। क्लियर? अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? माइनर सेगमेंट का ओ ए बी, ये पूरा एक सेक्टर वाला है, इस सेक्टर में से अगर ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया आपने यहां पढ़ा है अभी, सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला है इसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट उसका मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। That means you have to find the area of the minor segment. Clear? अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की लिमिटेशन है। ये जो मैंने यहां पे आपको फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला की लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन क्या है? ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की लिमिटेशन है। और क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में अभी जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैं वो करवाऊंगा कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा आया कैसे है, ये भी दिखाऊंगा, बट अभी नहीं। अब ये जो फॉर्मूला है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 0 to 90, जब थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। जब सेंटर में एंगल 120 डिग्री 150 डिग्री हो जाएगा, बेसिकली 120 होगा, 150 तो नहीं आता, 120 डिग्री होगा, तो उस केस में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? ये जो ट्रायंगल का एरिया निकालना है ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको कहूंगा वहां पे, वो एज ऑफ नाउ सिर्फ फॉर्मूलास को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने के बाद कराऊंगा, सो सेकंड एक्सरसाइज खत्म होने के बाद कराऊंगा, जब थर्ड शुरू होगी उस टाइम पे। एक्सरसाइज पे आइए सीधा, 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आपने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, आपने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपने फिगर इसकी ड्रॉ करनी ही करनी है। आपको कह रहा है एरिया ऑफ, यस 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 सर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 एंड सेक्टर 60, रेडियस 6 और एंगल 60 है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 60 पाई आर स्क्वायर, थीटा आपके पास है पाई 3.14, 6 × 6 = 6, 6 × 6 = 6 कैंसिल, 3.14 × 6 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
डन एवरीवन। यहां पे पाई मैंने 3.14 लिया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ 22/7, आप 22/7 ले लेना। मैंने यहां पे अपने आप 3.14 ले लिया, पर 22/7 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 22/7 हम उन केसेस में लेते हैं जहां पर रेडियस 7 का मल्टीपल होता है, वहां पे 22/7 यूज करते हैं, वरना ये इजी रहता है 3.14 को यूज करना जब रेडियस 7 का मल्टीपल ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हूज सर्कमफेरेंस इज 22। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, अब सर क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट को, इधर पूरे सर्कल का जो 1/4 पार्ट होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पे एंगल कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल 360 होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो क्वाड्रेंट पे जो एंगल होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं क्वाड्रेंट का एरिया डायरेक्ट निकाल सकता हूं, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दूंगा और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 है, 90 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, वो 90 बाय 360 भी 1/4 होता है, या मैं डायरेक्टली 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाऊं एक ही आंसर आएगा, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं गिवन, तो रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस आपको 22 गिवन है, 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 2 पाई 22 बाय 7, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और पढ़ लेना है अपने आप आगे, 5/2 बाय 7, रेडियस है 7 × 7, 2 × 2, क्रॉस अपने आप कर लेना आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, सर क्वाड्रेंट और सेक्टर सेम होता है क्या? यस, सेक्टर क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर ओनली, बस क्वाड्रेंट में 1/4 पार्ट हो जाएगा मेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the length of a minute hand of a clock is 14 centimeters. The length of a minute hand of a clock is 14. Area swept in 5 minutes. Area swept in 5 minutes. 12/1 यहाँ पे theta. हमें ये area निकालना है. Theta कैसे निकालेंगे? Complete जब मिनट हैंड कंप्लीट पूरा घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। कंप्लीट जब एक बार पूरा घूम जाएगा, 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, जितने 60 मिनट होते हैं तो 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मिनट का एंगल आ जाएगा। आपके पास 12 से 5 मिनट में कितना एंगल होगा, × 5 कर देंगे, तो दैट गिव्स अस 30 डिग्री। Theta is 30 degree. Clear? This is clear to everyone. Complete angle 360 होता है. पूरा एक बार घूमेगा तो 60 डिग्री आपके 60 डिग्री मिनट होते हैं. 60 से डिवाइड करेंगे × 5 कर देंगे. तो और 15 मिनट बोलेगा तो 15 कर देंगे, 20 मिनट 20 वो आप खुद कर लेना भाई। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया का क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास है 30 बाय 360 पाई 22/7, रेडियस 14 है। रेडियस बोल लो या जो आपको मिनट हैंड की लेंथ है, बेसिकली रेडियस ही बन जाएगा हमारा।
वन ट्वेल्व, सेवन वन जा टू जा सिक्स, 22 into 14 upon 6, 7, 3, 154 divided by 3, 154 divided by 3, clear everyone, yes, 51.33, इस वाले चैप्टर में डिनोमिनेटर में 7 आ रहा हो, 21 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, छोड़ सकते हो। अब क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो उस केस में हो सकता है डेसिमल में भी आपके पास आंसर आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में आपके पास बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंड द राइट एंगल एट द subtend the right angle at the center. एक cord है, AB is cord of radius 10 centimeters, quadrant बोल रहा है, तो center पे जो angle है वो हमारा 90 degree हो जाएगा। center पे जो angle है वो हमारा कितना आ जाएगा, 90 degree। आपको आगे बोल रहा है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, अब ये क्या होगा इसका, जब एरिया माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, दिस इज 90 बाय 360 पाई 3.14 आई गेस यूज करना क्वेश्चन में, यस लिखा हुआ है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, R R is 10, 10 square is 100, minus half, अतः यहाँ pi नहीं आएगा, sorry, पहले मैं pi नहीं आएगा, मैंने गलती से pi लिख दिया था, half R square sin theta होगा, यहाँ pi नहीं है, there is no pi over here, half R square sin theta होता है, R square is 100 into sin 90, into sin 90. 1 by 4 decimal range 100 100 cancel 314 upon 4 that is 78.5 minus 50 into 1 78.5 minus 50 that is equal to 28.5. So the area of segment is 28.5 centimeter square. Clear? Second part aapko bol raha hai, find the area of the major sector. Major सेक्टर, यहां पे थीटा वाला 90 है तो ऊपर वाला थीटा कितना हो जाएगा इसका, दैट इज एंगल 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, 360 माइनस 90 अपॉन 360 3.14, आर स्क्वायर इज 100, डेसिमल लेंगे 100 से 100 कैंसिल, 270 बाय 360 3 बाय 4 इनटू 340 942 बाय 4 डिवाइडेड एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, व्हाट इफ दे आस्क फॉर मेजर सेगमेंट, अब इसका आंसर आ रहा है 235.5,
क्रॉस चेक कर लेना, डायरेक्टली बच्चे ने बताया तो मैंने वही लिख दिया, क्रॉस चेक कर लेना ठीक है। अब एक बच्चा पूछा सर अगर व्हाट इज, मेरे को मेजर सेगमेंट निकालना है, ये मैंने निकाला है माइनर सेगमेंट, तो मेजर कैसे निकालूंगा? Who will tell me? ये मेरा इतना पार्ट जो है ये मेरा माइनर सेगमेंट है, तो मेजर कैसे निकालेंगे? आयरा ठीक है बेटा, ये 942 है बेटा, 942 सर कॉम्प्लीमेंट की क्या लिख दिया ये? नहीं, हमें ये माइनर का पार्ट नीचे अभी मैंने मेजर होगा, इसके ऊपर का पार्ट सेगमेंट का, उसको निकालेंगे कैसे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट मतलब कि माइनर सेगमेंट, क्लियर है जी? तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये कितना है? 28.5, माइनस करो आंसर आ गया, नोट करके डन। सर अगर थीटा की वैल्यू 70 हो तो? 70 होगी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अच्छा इसमें नहीं होगी, यहाँ पे जो साइन 90 यूज करो तो साइन का जो एंगल होगा 30, 45, 60 और 90 आएगा, जो आपने पढ़े हैं सिलेबस में वही होगा। मेजर पहले हमने सेगमेंट का एरिया निकाला, सेगमेंट के बाद सेक्टर, मेजर सेक्टर, फिर मतलब मतलब मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में क्या करोगे? सर्कल में से माइनर को माइनस कर दोगे, सर्कल में से माइनर को माइनस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, in a circle of radius 21, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Arc, arc कैसे बनती है? The दो radius कोई ना कोई आपस में angle form कर रहे होंगे तो ये arc बन जाएगी, this is known as arc. सेंटर में एंगल थीटा, आपको क्या बोल रहा है यहां पे? पहले पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये लेंथ निकालनी है। अब ये लेंथ कैसे निकालूंगा? ये मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं सर्कमफ्रेंस है, बाउंड्री में मूव करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। मुझे सिर्फ इतने पार्ट चाहिए, इतना पार्ट, ये हमारा क्या है? ये लेंथ ऑफ आर्क है, length of arc is a part of circle, length of arc is a part of circle, तो ये part कितना है? theta upon 360 और complete circumference होती है 2 pi, ये तो threatened से better focus only on learning, और यहाँ पे theta 60 degree given है, तो ये logic पता होगा तो हर एक question आप solve कर सकोगे। पाई 22/7 और रेडियस 21 है, सॉल्व कर लो भाई, आंसर आ जाएगा, खुद करते रहना इसको। सर हाउ डू वी गेट दिस फॉर्मूला, बताया तो पूरे सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 pi r। मैं इस पार्ट की बात करूं तो पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट का कितना है ये सर्कमफ्रेंस का? थीटा बाय 360, जैसे हम लोगों ने सेक्टर में करता थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा बाय 360 2 पाई आर आ जाएगा, 22 आ रहा होगा इसका आंसर। वेरी गुड काव्या, वंश एंड जपनी और वंश अहूजा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बाय
360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अगले पार्ट में बोल रहे हैं आपको सेगमेंट, सेगमेंट होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सो यू हैव थीटा, यू हैव रेडियस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा हमारा साइन 60 है, साइन 60 भी रूट 3/2 होती है। हो जाएगा सॉल्व, अपने आप करते रहना, सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अरे वाह काव्या वंश हुजा, अच्छा सेकंड पार्ट का आंसर निकाला तेजल सबने 231। ठीक है बेटा नोट डाउन कर लो, अपने आप सॉल्व करते रहना, बोला तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इस पूरी एक्सरसाइज में, सिर्फ करना खुद है, मैं कोई कैलकुलेशन आगे सॉल्व नहीं कर रहा। लिखिए सबने, सर इन सबसे मुश्किल क्वेश्चन दे दो, मुश्किल क्वेश्चन दू है ही नहीं, मुश्किल क्वेश्चन कहां से दू इससे, कॉन्सेप्ट इतना आसान है, सब चीज में कहां जबरदस्ती घूम रहे हैं। असाइनमेंट दूंगा उसमें देखना, बोले तो मिल जाएगा। मैं कह रहा सर सेक्टर की डिग्री गिवन होगी या 90 लिख देंगे, अरे 500 लिख देना, ऐसा थोड़ी है 5 जो मर्जी ले लेंगे, गिवन होगा ना भाई क्वेश्चन में, इसलिए जब पढ़ते हो ना ऑनलाइन क्लास बुक खोल के बैठो साथ में। कॉर्ड भाई कॉर्ड वर्ड कुछ नहीं, मैं कितना दिमाग में लगाना बेटा, जो बुक में सिंपल सिंपल गिवन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60, तो थीटा हो गया 60, ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का मतलब आपका माइनर सेक्टर की बात करेगा, और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पोंडिंग कॉर्ड, सेगमेंट जो होता है ना वो कॉर्ड को ज्वाइन करने से ये वाला होता है, इसलिए एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द करस्पोंडिंग कॉर्ड एक ही बात होती है। ठीक है कुछ अलग होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 रेडियस 15 सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, अपने आप कुछ नहीं लेना। अच्छा ये पीछे वाला जो आंसर लिया है ना, यहाँ साइन 60 का रूट 3/2 हो गया, रूट 3 की वैल्यू 1.73 पुट करना पड़ेगा और फिर आंसर निकलेगा डेसिमल्स में। ठीक है तो कर लेना अपने आप। इसमें सिक्स में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं। अब इस वाले पार्ट में माइनर सेगमेंट क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, दोनों केसेस में सेम आ रहा है, यहाँ पे भी 60 यहाँ पे भी 60 है, यहाँ 21 था 15 है, तो यह वाला सॉल्व करा तो ये वाला ऑटोमेटिकली समझ जाना सेम ही करना है। अच्छा बुक में आंसर रूट में खड़ा हुआ है, ठीक है बट आप लोग डेसिमल में पूरा निकालेंगे, रूट में आंसर आप लोगों को नहीं छोड़ना, आप लोग पूरा आंसर निकालोगे बुक में भी आंसर रूट में और आप नहीं छोड़ोगे। 60 बाय 360 पाई 3.14 रेडियस 15 स्क्वायर माइनस हाफ 15 स्क्वायर साइन 60, तो क्रॉस चेक करते हैं कि 3.14 है, यस बुक में गिवन है रूट 3 को 1.73 और पाई को 3.14 यूज करना है। कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, 15 स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 इनटू 3.14 माइनस, ये मैंने कॉमन निकाल लिया हाफ साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, 15 स्क्वायर 225
This is 314 upon 600 minus root 3 by 4 minus root 3 by 4 एलसीएम लीजिए फर्दर एलसीएम लेने से पहले सर कर देते हैं इसको जो जाएगा 225 600 दिस इज 314 माइनस 150 रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है 25 से कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 24 यहाँ पे आ जाएगा 9 फिर 3 से कैंसिल करेंगे 3 बाय 8 150 को 1.73 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आ रहा है 150 इनटू 1.73 फाइनल आंसर आ रहा है एक बच्चे का 8.9 एक का आ रहा है 20.47 सबका अलग अलग है बताओ अभी कोई मल्टीप्लाई करके तो प्लीज बताओ बेटा जरा कैलकुलेटर ऑन करो 150 इनटू 1.73 ये मैं करिए तो सीधा चलो कर दो 1 से ये जाएगा 1 73 86.5 59 259.5 आ रहा है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 एंड 40 54.5 3 बाय 8 इनटू 54.5 कैंसिल करेंगे 5 से दिस इज 109 3 इनटू 109 327 डिवाइड बाय 16 तो 20 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा आंसर 20.475 अरे तेरा ठीक है 20.475 आ रहा है 20.475 डन एवरीवन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इस पे क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन को रीड करो फिगर ड्रॉ करो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और एट पे भी पॉइंट लिख लेना सर्कल का रेडियस 12 है एंगल 360 डिग्री है और सेगमेंट का एरिया निकालना है सेवेंथ क्वेश्चन रेडियस 12 थीटा 120 डिग्री अब यहाँ पे थीटा बाय 60 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा ये नहीं हो पाएगा क्योंकि साइन 120 की फॉर्मूला नहीं है अब क्या करेंगे और कैसे करेंगे आप लोगों को हो पा गया है ये सिलेबस में है आया था बिकॉज अभी प्रांजल के स्कूल में सेम क्वेश्चन करवाया था तो करना क्या है सेगमेंट का जो एरिया होता है ये सेगमेंट का एरिया कब आता है सेक्टर सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करते हैं तो मेन काम क्या है ट्रायंगल का एरिया निकालना तो इस यहां पे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिससे यहां पे हो जाएगा एम ठीक है अब यार नहीं है सिलेबस में कोई बात नहीं सीख लो यार एक क्वेश्चन सीख लो आगे काम आएगा 11 12th में काम आएगा एंट्रेंस में काम आएगा ये सिलेबस छोड़ना आसान है बट फ्यूचर में काम आएगा फिर कुछ आता नहीं होगा क्या फायदा अब
मेरे को क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये बेस हो जाएगा एबी और हाइट हो जाएगी ओएम। अब ये करें कैसे, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये बन जाएगा आइसोस्लीस ट्रायंगल। आइसोस्लीस ट्रायंगल में जब मैं बेस पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेंटर पे एंगल कितना था 120 डिग्री, तो एक साइड पे एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और अदर पार्ट पे कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, आधा बनाया मैंने ओ एम ए, ये वाला एंगल 60 है, ये 90 है, ये रेडियस है जो मेरे पास 12 गिवन है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो, इस एंगल के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या लगाऊंगा साइन 60 एम बाय ओए, एम बाय ओए 12। साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाय 2, जो कि हमारे पास आ जाएगा 6√3। तो जो एम है एम की वैल्यू आ जाएगी 6√3, एम 6√3 आ गया, तो ए बी निकालना है, ए बी इज डबल ऑफ एम, जो कि हो जाएगा 12√3, जो कि आ जाएगा 12√3। तो मेरे पास बेस आ गया, अब मैं वो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर ओएम इस एंगल के हिसाब से ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो वहां पे लगेगा cos 60 ओएम बाय ओए, ओए कितना है 12, cos 60 हाफ ओएम बाय 12, तो ओएम कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेस आ गया, हाइट आ गई, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट आएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मेरे को क्या निकालना है, सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, सेक्टर माइनस ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल एरिया होगा हाफ इनटू बेस एबी इनटू हाइट ओएम। दोबारा से रिपीट करता हूँ, मेन क्या है, ट्रायंगल का एरिया सेंटर का एंगल 120 था, तो आधा 60 हो जाएगा, रेडियस जो गिवन था 12, इस एंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो साइन 60 लगा के मैंने एम निकाला, एम आ जाएगा, तो डबल करो तो एबी आ जाएगा जो कि बेस बन जाएगा। फिर ओएम मेरे को हाइट निकालनी है, इस एंगल के हिसाब से ये मेरा बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, cos 60 लगा के हम लोग क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। समझ आ गया, ये आयरा बेस, इस एंगल के हिसाब से ये बेस होगा ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos ट्रिग्नोमेट्री sin थीटा cos थीटा, भूल गए, नोट कर लो बेटा इसको। फाइनल आंसर एक बच्चे ने निकाला 88.44, मैम सेंटर पे 120 आधार पर तो 60 डिग्री परपेंडिकुलर बनाया था, तो इस एंगल पे आते परपेंडिकुलर में sin 60 लगा के एम निकालोगे, cos 60 लगा के हाइट निकालोगे, जब एम आ जाएगा एम को डबल करोगे तो पूरा बेस आ जाएगा, ठीक है। फिर सेगमेंट का एरिया सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट,